हर विटामिन का अपना अलग महत्व है। विटामिन ए, बी या सी या कोई भी विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन डी भी बॉडी को लेकर बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से बॉडी में कई बीमारियां हो जाती हैं। तो वही हाल ही में हुई एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये है कि विटामिन डी की कमी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, यानी जल्द ही डेथ होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध के अनुसार विटामिन डी की कमी से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही विटामिन डी की कमी समय से पहले मौत का कारण बन रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मृत्यु दर का जोखिम बढ़ रहा है। दुनिया भर में 1 अरब लोग विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं। स्टडी के मुताबिक 70-90% तक भारतीय विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। पौष्टिक खाने और धूप की कमी की वजह से लोगों में इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि धूप ना सेकने की वजह से वे बीमार पड़ सकते हैं या उनकी जान जा सकती है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में ये लक्षण दिखे तो समझ लीजिए आप में विटामिन डी की कमी है। लगातार बीमार रहना, बालों का झड़ना, थकान महसूस होना, पैरों में दर्द होना, एंग्जाइटी, चोट लगने पर घाव भरने में काफी समय लगना, मांसपेशियों में लगातार दर्द होना। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट को में इन चीजों को शामिल करें, जैसे कि दलिया और ओट्स, मशरूम, मछली, संतरे का रस, बादाम, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और सोया प्रोडक्ट्स। साथ ही उम्र के साथ साथ आपको विटामिन डी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये भी जान लीजिए। 0 से 12 माह के बच्चे को 10 माइक्रोग्राम, 1 साल से 70 साल तक 15 माइक्रोग्राम और 70 साल से ऊपर 20 माइक्रोग्राम की विटामिन डी की खुराक लेनी चाहिए। तो अपनी उम्र के हिसाब से विटामिन डी की खुराक को लेना शुरू करें और गंभीर बीमारियों से बचे रहें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। हर विटामिन का अपना अलग महत्व है। विटामिन ए, बी या सी या कोई भी विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन डी भी बॉडी को लेकर बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से बॉडी में कई बीमारियां हो जाती हैं। तो वही हाल ही में हुई एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये है कि विटामिन डी की कमी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, यानी जल्द ही डेथ होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध के अनुसार विटामिन डी की कमी से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही विटामिन डी की कमी समय से पहले मौत का कारण बन रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मृत्यु दर का जोखिम बढ़ रहा है। दुनिया भर में 1 अरब लोग विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं। स्टडी के मुताबिक 70-90% तक भारतीय विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। पौष्टिक खाने और धूप की कमी की वजह से लोगों में इस विटामिन की डेफिशिएंसी है, और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि धूप ना सेकने की वजह से वे बीमार पड़ सकते हैं या उनकी जान जा सकती है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में ये लक्षण दिखे तो समझ लीजिए आप में विटामिन डी की कमी है। लगातार बीमार रहना, बालों का झड़ना, थकान महसूस होना, पैरों में दर्द होना, एंग्जाइटी, चोट लगने पर घाव भरने में काफी समय लगना, मांसपेशियों में लगातार दर्द होना। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट को में इन चीजों को शामिल करें, जैसे कि दलिया और ओट्स, मशरूम, मछली, संतरे का रस, बादाम, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और सोया प्रोडक्ट्स। साथ ही उम्र के साथ साथ आपको विटामिन डी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये भी जान लीजिए। 0 से 12 माह के बच्चे को 10 माइक्रोग्राम, 1 साल से 70 साल तक 15 माइक्रोग्राम और 70 साल से ऊपर 20 माइक्रोग्राम की विटामिन डी की खुराक लेनी चाहिए। तो अपनी उम्र के हिसाब से विटामिन डी की खुराक को लेना शुरू करें और गंभीर बीमारियों से बचे रहें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।